क्या मेरा फोन आ गया? ओए कहाँ है फोन? मेरे पास कोई फोन वो नहीं है। वो तो हुल दी थी, हुल। वो तो आपको बाहर निकालने का बहाना था। थप्पड़ मारूंगा तेरे में। झूठ बोलते बुलाता मेरे को। लेकिन आप एक बात बताओ। क्या? अगर मेरे डैडी को जेल हो जाए तो आप मुझे पाल लोगे? और कितना पलेगा भी तू? तेरा डैडी जेल क्यों जाएगा? अरे कुछ गुंडे ने उन्हें फोन पे धमकी दी है कि हमारी दुकान को तोड़ देंगे। डैडी उन गुंडों को मारने गए, बहुत गुस्से में थे, खून उबल रहा था उनका। तेरे डैडी की चाय तो उबलती नहीं, खून कहाँ से उबलेगा? तू ना, तू अपना सवाल चेंज कर। तू ये बैठे तेरा, तू ये बोल कि अगर मेरे डैडी को हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ जाए तो क्या आप मुझे 2-4 महीने ख्याल रख लोगे? ये हॉस्पिटल में क्यों? क्यों क्या मतलब, जब भी पाजी वो लड़ाई करने गया ना पिटके आया हमेशा। लगता है अपने डैडी को लाइटली ले रहे हो। लाइटली ले रहे हो, गिरा पड़ेगा तुम लोगों भगवान करे तुम लोगों की चाय में कीड़े पड़ जाए, तुम लोगों की चाय में मक्खी पड़ जाए और तुम लोग बिना देखे चाय पी जाओ। ऐसा लग रहा है जैसे उबला आलू छिलके आया होता है। पाजी क्या बताओ क्या हो गया, गली में घेर के मारा है मेरे को। ओए इतने कमीने गुंडे थे, मारा कम है मेरे को, दांतों से काटा ज्यादा आई। डैडी ये क्या हो गया आपको? बेटे कुछ नहीं, मेकअप कराने का शौक है, मैं ब्यूटी पार्लर गया था। देखता नहीं है, पिट कर आया हूँ मैं। चल यार ये शुक्र है चंदू तू था, पता क्यों? डीड है तेरी जगह कोई और होता मर जाता हो, तू ठीक है। मरने की एक्टिंग की है तभी छोड़ा उन्होंने मुझे। आपको समझ नहीं आती, एक तो रोज मम्मी से घर में पिटते हो, ऊपर से बाहर से भी पिट कर आ गए। बेटे मैं अकेला था, वो 3 थे, लेकिन मैंने उनको बोल दिया, मैं क्या अगर माँ का दूध पिया तो अकेला अकेला आए। फिर अकेले अकेले ने मारा है। मैंने उनको मारना, बदला लेना है अपना। अच्छा? लेकिन ये बदला तुम ही ले सकते हो। मैंने उनको बोल दिया है, मैंने कहा मैं वहां पर नौकर हूँ और ये मेरा मालिक है। ऐसे बोल दिया तुमने? हाँ, और वो दुकान तोड़ने के लिए आ रहे हैं। चिंटू पिंटू पिंटू, इनका मैं 2 मिनट में भगा दूंगा। चिंटू पिंटू छोटू। लगता है कस्टमर आ गए। क्या लेंगे सर? बेटे ये कस्टमर नहीं है, ये कष्ट देने वाले नर हैं। ये पिंटू है, ये चिंटू है, ये छोटू है और ये दुकान के मालिक है। अरे क्या बात कर रहे हैं? आई 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 नहीं नहीं नहीं, अरे हम तो बात सुने से घूर के कहा देख रहे हो? अरे हम तो गिलास धोने का काम करते हैं प्रोफेसर चंडू के अंदर। मेरे अंडर नहीं, मैं तो खुद इसके अंडर लगा हुआ हूँ। मेरे अंडर, मैंने तो अभी अंडर भी पढ़ना शुरू नहीं किया है। मैं तो इनसे डायपर सिलाने आया था। मम्मी मैं आ रहा हूँ। मालकिन आ गई, मालकिन मालकिन माल। हेलो मालकिन आ गई। एक मिनट, किसकी मालकिन? अरे आप हमारे दिल की मालकिन, हमारे शो की मालकिन है, ये दुकान आपकी है। आपको पता है ये गुंडे आए कहते हैं आपकी दुकान तोड़ेंगे, अगर आपने कुछ कहा तो ये आपको मारेंगे, ऐसे बोल रहे थे मेरे को तीनों। हाँ अच्छा, लड़के को डराते हो, हिम्मत है तो लड़की से लड़के बताओ। आ जाओ लड़ो लड़ो लड़ो, देखते हैं आप कौन किसको मारता है। लाशें यहाँ से हटा दिया है। और किसको मारना है? तेरे तो मैं गुदगुदी करके मार। और किसको मारना है? किसी को नहीं। और लाशें करके कोई है? चलो अपने आप जाओ, हमारे पास एक्स्ट्रा स्टाफ नहीं है, चलो आगे लड़ने। एक बार सोनाक्षी के लिए जोरदार तालियों। सोनाक्षी ये मेरा दोस्त है, आपका बड़ा फैन है, मेरा बचपन का दोस्त है ये। कैसे दोस्त? ठीक है, ज्यादा एक्टिंग ना कर, अभी मार मुड़ कोई नहीं पड़ी। हाय हेलो। बड़ा ये आपके पापा की मिमिक्री इतनी अच्छी करता है ना, सारे स्टार्स की करता है। उससे याद आया, आज सिद्धू पाजी मैं घर से निकल रही थी। हाँ। और के भागे थे, मैं लेट हो रहा, डैड बैठे हुए थे। अच्छा, पूछ से कहाँ जा रहे हो बेटा? मैंने बोला कपिल के शो पे जा रहे हो। अच्छा, आजकल कपिल मेरी मिमिक्री कर रहा है, वैसे तो अच्छा करता है,
बट वो उसको कह देना एक बार बस कि वो हाथ बहुत हिलाता है। मैंने तो लाइफ में ऐसे कभी हाथ नहीं हिलाया, मेरे डैड ने बोला। नहीं, मैंने कभी नहीं किया। वो तो मैं एक और करेक्टर है, गत्रुगन गिना। मैं शत्रु सर की कभी करी नहीं। ये बड़ा अच्छा करता है। अभी देखना ऐसी मिमिक्री, कोई भी जो तुम्हें अच्छी, कोई भी अच्छा। हम गेस करेंगे, आप बताओ। हम गेस करेंगे, तुम बताओ। ठीक है, अब मैं चाल चल के बताऊंगा। कौन है? दिलीप साहब। दिलीप साहब, एक और बता ना करके कोई। मतलब आप इतनी अच्छी कर रहे हो कि हमें पता ही नहीं चल रहा किस। आप ना। अरे दोबारा करके एक और। ओके अभी क्या मिक्री करने लगा, कुछ और करने लगा? क्या बता रहा रे? वो चल रहे राला रे। नहीं, ये तो असरानी अंकल है ना। और यार ना बात सुन, इधरा तेरी कोई, इधरा मैं बताता हूँ, तेरी कोई भी आवाज नहीं ठीक निकल रही यार आज। या तू पागल से मेरी बेइज्जती कर रहा है या पागल सा जा भाजा यहां से। अगली बार अच्छी वाली का नाम है मिक्री। ठीक है सोनाक्षी जी, थैंक यू वेरी, थैंक यू। अच्छी, अगर मैं आपको आपके पापा का डायलॉग दूं, आप बोल सकते हो? आई मीन ट्राई कर सकती हूं। मैं एक डायलॉग उनका बड़ा फेमस है, वो आए तो कहना चेनू आया था। हाँ। वो चपड़गंजू वाला भी है? एक चपड़गंजू वाला। अबे ओए चपड़गंजू। हां, वो आए तो कहना चेनू आया था। हां, आगे क्या था? ज्यादा गर्मी है खून में तो बेशक आ जाए मैदान में। और आइंदे अगर मेरे किसी भी लड़के पर हाथ उठाया तो मोहल्ले का मोहल्ला उड़ा के रख दूंगा। एक और डायलॉग ना शत्रु साहब का, कौन सा? कि जली को राख कहते हैं, बुझी को आग कहते हैं, और जो आया और उस राख से जब बारूद निकले से विश्वनाथ कहते हैं। अभी आप कि जली को राख कहते हैं, बुझी को आग कहते हैं, उस बारूद से फिर आगे विश्वनाथ कहते हैं। अच्छा, अभी भोजपुरी में जिस राख से बारूद बने उससे विश्वनाथ। क्या बात है, यही आप करके बताओ ऐसे भोजपुरी। नहीं, अब तुम करोगे और बिना हाथ हिलाए करोगे। हाँ, प्यारी में। हाँ देखो ससुरा, तुमको तो पता ही होगा जली को राख कहते हैं। जली को राख कहते हैं, बुझी को भी आग कहते हैं। हाँ, और जो हरे हरे पत्तों की सब्जी बन जाए उसे साग कहते हैं। ओ बैठ जा। हाय, क्या बात है? हाउ आर यू? वो मेरे डर से उड़ गए। ओ अच्छा, आपको आना चाहिए फिर। और हाँ, और अच्छा, इतनी चूटी फूटी है, पैसे कमाने नहीं छोड़ने, घर पे बैठ जाती। हुआ क्या है? सोनाक्षी पूछ रही है, बताएं। वो मैं एक्चुअली आपसे इंस्पायर होकर ना एक्शन सीख रही थी। ओए होए, किसको मारा? कोई एक्शन नहीं सीख रही थी। ये पीछे चाट वाला ना, वो 10 रुपए के 6 गोलगप्पे देता है। हाँ। तो ये 5वां खा के निकल ली। इसको पता था छठा खाया तो पैसे मांगेगा। फिर चाट के पत्तल में पैर फिसला, ऐसे गिरी है, झूठ बोल रही है। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वो तो पैर के नीचे साबुन आ गया तो मैं फिसल के गिर गई। नहीं, झूठ बोल रही। साबुन तुम्हारे घर में कहां से आया? ये लोग क्या करते हैं, बॉडी गीली करके दीवार के साथ रगड़ के नहाते हैं, सब पता है, झूठ बोल रही है। देखो तुम ऐसी बकवास बातें मत करो, वरना मुझे भैया को बुलाना पड़ेगा। कौन भैया? वो बुलाने पे आता कहाँ है? जब तक उसको मूंगफली केला ना दिखाओ, पेड़ से उतरता ही नहीं। तुमने भैया को बंदर बोला? मैंने कब कहा बंदर? तुम्हारे खानदान में सिर्फ वही है जो इंसान लगता है। लगता है कम, क्या मतलब है? वो इंसान है, वैसे भी पापा ने उसे रिसर्च के लिए कहीं बाहर भेजा हुआ। हाँ। सबको पता है तुम्हारे पापा कैसी रिसर्च करते हैं। एक दिन मेरे को कहते मैंने ना मोबाइल साफ करने वाला डिवाइस बनाया, मैंने कहा कैसे? कहते हेलो। चाट के मोबाइल साफ कर दिया। एक बार ना एक चूहिया को इंजेक्शन दे रहे थे, मैं क्या कर रहे हो आप? कहते इसको मैंने लड़की बनाना है। पता नहीं, मैं इसको देखता हूँ, मेरे को लगता है उनकी रिसर्च ठीक हो गई, कामयाब हो गई। देखो कप्पू, क्या है? मुझे पता है तुम्हें मेरे प्यार की कदर नहीं है, लेकिन जिस दिन मैं किसी और की हो गई ना, उस दिन तुम कॉर्नर में बैठ के आंसू बहाना मेरे लिए, समझे तुम? भरला किचलू
तुम आ गए किचलू? हाँ। आओ किचलू। सोनाक्षी मीट माय बॉयफ्रेंड किचलू। हाय किचलू। किचलू आगे तो आओ। किचलू, ओए जरा, तू रात को अंधेरे में उठ के अकेला सुसु कर लेता? कप्पू। ये क्या है? अच्छा किया लेकिन तेरे को बच्चों को कार्टून बड़े पसंद आते हैं, आएगा? जलन हो रही है? नहीं मेरे को क्यों जलन होगी? सुंदर लड़की हाथ से निकल गई ना इसलिए अब जलन। हाथ से निकल गई, मैं तो चाहता हूँ देश से ही निकल जाए सुंदर लड़की, मेरे को कोई जलन नहीं हो रही। I'm quiet, okay? मैं कहीं नहीं निकलने वाली राधर, अभी तो किचलू मेरे साथ आके यहाँ रहेगा। क्यों बे, काम वाम नहीं करते कोई आप? करता हूँ ना। क्या करते हो? मैं मच्छा पकड़ता हूँ। मछली पकड़ते तो आज झींगा क्यों पकड़ लिया? कप्पू! क्या? तुमने मुझे झींगा कहा? ऐसे सवाल पूछोगे बात बढ़ती रहेगी, मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो बस बात करते रहो। पाजी बात करने का कॉम्पिटिशन होता तो हमारे कप्पू को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जरूर मिलता। और आपको पता है दीवार से चूना चाटने का कॉम्पिटिशन होता फिर गोल्ड इसका था। अच्छा सुनो, तुम जो सबके साथ सेल्फी लेते हो हमारी भी लो ना प्लीज। सेल्फी खुद लेते हैं। हाँ तो वही तो बोल रही, खुद ही लो ना तुम। देख लो, जब मैं कहता हूँ ना कि दिमाग ठीक करने के लिए योगा करो, फिर मेरे को कहती हो तुम मेरी ऐसी बातें करते हो। सेल्फी खुद लेते हो तो सेल्फी, चल ठीक है मैं तेरी सेल्फी लेता हूँ। देख तेरा बॉयफ्रेंड है ना? जो भी है ऐसी सेल्फी लेता हूँ सारी उम्र याद करके, तो बॉयफ्रेंड मेमोरेबल सेल्फी होनी चाहिए ना। मैं इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, बॉयफ्रेंड बनने। अरे कुछ नहीं, अरे मैं अच्छी सेल्फी लेता हूँ। आइए सोनाक्षी, इनकी ना अच्छी वाली सेल्फी लेते हैं, लेके आओ फटाफट। इधर आ जाओ, पीछे पीछे आ जाओ। इसके पीछे कैसी सेल्फी आएगी? ये सोनाक्षी का बताते ना, आ जाओ। ये कैसी फोटो लिए तुमने? ये वाली मैं एक फोटो कैसे दिखाऊंगी दूसरे लोगों को? बॉयफ्रेंड तो साथ में है, और किसको दिखानी है? देखो तुमने, अरे इतने अच्छे बंदर बंदरिया लग रहे हैं, और क्या ले? कितनी बकवास फोटो ली है, एकदम ओरिजिनल। किचलू चलो यार। एक मिनट, आपने कहा था कि मैं आपकी बॉयफ्रेंड की नकल करूंगा तो आप मुझे सोनाक्षी के साथ फोटो खिंचाओगे? अच्छा, ये गलत है दीदी। दीदी ऐसा कहा था उसने? चलो भाग यहां से, सोनाक्षी सिन्हा के साथ फोटो ले। नहीं चल रही। फर्स्ट या कंडक्टर थोड़ी है। नहीं वो मुझे पहली बार मौका मिल रहा है ना, तो इसलिए मैं। खैर नमस्कार, सिटी केबल में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपकी होस्ट और गोश्त। एक्सक्यूज मी, गोश्त नहीं होता, इट्स घोस्ट। व्हाई आर यू टॉकिंग द मोस्ट? मैंने आपसे बात की, मुझे याद आ गया, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त, द जॉर्जियस, द ब्यूटीफुल, रैविशिंग बम्पर लॉटरी। तो चलिए पहले इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, हमारी इस चर्चा के लिए यहाँ पर मौजूद है अकीरा से सोनाक्षी सिन्हा, और यहाँ पर है फकीरा से डॉक्टर मशहूर गुलाटी। नमस्ते डॉक्टर मशहूर गुलाटी, काफी मशहूर है। एंड डॉक्टर मशहूर गुलाटी KHAMOSH, इसका फुल फॉर्म क्या है? तेरे मुंह पे मैंने क्लोरोफॉर्म लगा देना, फुल फॉर्म क्या है? मैं फुल फॉर्म नहीं बता रहा, मैं तो स्पेलिंग बता रहा हूँ, खामोश के। और तेरे को कह रहा हूँ बेवकूफ, अनपढ़ कहेंगे। चलिए आपको मिलाते हैं हमारे अगले मेहमान से, जो है शकीरा से टीचर विद्यावती। शकीरा से मतलब? शकीरा इनकी मम्मी का नाम है। एक्सक्यूज मी, शकीरा मेरे पापा का नाम है। सर्दियों के मौसम में इस्तेमाल कीजिए भौजाई रजाई। जी हाँ, ये बहुत गर्म है और बहुत नरम है, और आपकी तरह बेशरम है। I'm sorry, ये हमारा प्रोडक्ट है। अच्छा मैं, हाँ, ये कौन? बेटा मैं पहुंच गया। नहीं लेने मेरे को कोई नहीं आया। हाँ ना कोई देने आया ना लेने आया, मैं पहुंच गया बेटा तेरे चाचा घर में। हाँ बहुत बढ़िया, मैं रात में पहुंच गया था बेटे। यार
अच्छा मैं दिल्ली से आया हूँ यार तेरे से मिलने, तूने मेरे को तरफ देख के मुंह मोड़ लिया, मेरे को तेरा ये मिलना बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं तेरे कह रहा हूँ मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। खबरदार जो तूने मेरे को अपना कजन या भाई बनाया तो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता तेरे को। बकवास कर रहा है। अच्छा साहब कोई अपने भाई से ऐसे बात करता है? मैं करता है ऐसे बात अपने भाई से? तेरे जैसे चालू आदमी मैं तेरा गिरा हुआ पर्स ना रखूं, तेरे से रिश्ता कर रखना। मैंने आपको पता है सिद्धू साहब चलती ट्रेन से मेरे को धक्का दिया था इसने। मैं बता दूं सिद्धू साहब ठीक से देते ना आप भी तो यहाँ बैठा नहीं होता। बहुत अच्छी बात की, मेरी तरफ से आपको किस है। इतना मेरे को अच्छा लगा। अरे मतलब मुझसे तो पूछ लो और किस चाहिए कि नहीं चाहिए आपसे। मेरे को कुछ, मेरी बीवी को भी नहीं चाहिए, मैं दे देता हूँ। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं दुनिया में सिद्धू साहब क्या लेके जाना है? हाँ। जो है दे दो। अच्छा मेरे को ये कह रहे हैं मैंने धक्का दिया। मैं बताता हूँ ये 70 की बात है, मशरूम का बर्थडे था, मैं इसको प्यार से मशरूम कहता हूँ, इसका बर्थडे था तो मेरे यार छोटे भाई का बर्थडे था, ऐसे थोड़ी उसका कुछ देना था, मैंने धक्का दे दिया। मेरे को अच्छा सारे आगे बहस में मेरे को बुलाया नहीं तो मैं बहुत बहुत आपका बेटे, मेरे को आपका मुंह बिल्कुल पसंद नहीं आया। अच्छा मैं मेरे को एक बात बता, 20 साल हो गए मैंने तेरी शक्ल नहीं देखी, अब तू यहाँ पे टिंडे लेने आया मेरे पास। सिद्धू साहब मैं आना चाहता था, मेरे को कोई बिना टिकट आने नहीं दे रहा था, तो मैं जाके घुस गया ट्रेन में। अरे मैं घुस गया, आप यकीन नहीं करोगे। अच्छा। मेरे को गालियाँ दी। हाँ। मेरा हाथ उठ गया। हाँ। मेरा हाथ उठ गया, मैंने हाथ उठा के कानों पर रख लिया, मैंने कहा देते रहो गाली। अच्छा अच्छा सिद्धू साहब मैं आपको एक बात आना चाहता हूँ, मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ, बहुत ज़्यादा मैं। अच्छा मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना बड़ा फैन हूँ। बताना बताया। नहीं मैंने बताने नहीं, इसीलिए नहीं बता रहा मैं। अच्छा मैं यार बहुत मज़ा आया, मैं दिल्ली से, मैं कुछ तकरीबन मेरे 14 साल बाद मैं बॉम्बे आया हूँ। यार एक बात बता, खुजली बड़ी गलत जगह पर हो रही है। देखो सर खुजली और बारिश कहीं भी हो जाती है। ओह मज़ा आया यार। Excuse me, हेलो, ये पिंक वाले भाई साहब, हमने आपको कोई निमंत्रण तो भेजा नहीं। देखो बेटा मुझे अरबी तो आती नहीं, निमंत्रण वगैरह तो मैं आ जाता वैसे। मैं बताना भूल गया, मैं मशरूम का आपके मशरूम लाठी का यार, तो मुझे मशरूम नहीं कहेगा कभी भी। मशरूम नहीं कहेगा, मैंने तेरे मुंह पे थूक फेंक देनी है यार। मशरूम का तो अब मैं मशरूम, मैंने कौन सा तेरी सब्जी बना ली यार। अच्छा मैं साहब आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा राजेश गुलाटी है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में आप जैसे भाइयों की दुआ से बड़ा नाम है। कैसे कैसे? दिल्ली में अगर 200 फ्लाईओवर है तो उसके नीचे 12,000 मंगते मेरे अंडर है। I will tell you, he is head of the banking department. देखा नहीं सुनाक्षी सिरे बैठी है? अरे बता रहा हूँ, जा यार मैं तेरे को गंदी गाली दे देनी है। बेटे मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ, मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा मैंने बेटा कहा, आपको बुरा नहीं लगा? बिल्कुल भी नहीं। मेरे बच्चों के फ्रेंड आते हैं मुझे कहते हैं राजेश वी आर फ्रेंड्स। अगर आपको मुझसे ये होप है ना तो बिल्कुल मत रखना प्लीज। मैंने आपकी फिल्म देखी दबंग वाली। हाँ। मेरा हुरूर दबंग निकल गया। मैं साहब एक सन 1999 की बात है। हाँ। एक फिल्म आई थी वो दिलवाले। हाँ। दिलवाले नहीं। हाँ। दूसरी जगह मेरी धरती मेरी माँ वगैरह। उसके बाद अगर मुझे कोई फिल्म पसंद आई है तो किस किस को प्यार करूं? मतलब आप यकीन नहीं करोगे, मतलब बहुत ही। आप जल्दी बैठ जाओ ना, कीरा यहाँ पे दिखा दूंगी। कीरा और खीरा दोनों चीजें मेरे को बड़ी अच्छी लगती है। नहीं ये क्या बात हुई, आप अभी तो दबंग के बारे में बात कर रहे थे। देखे बेटे फिल्म जब हिट होती है दुनिया बातें करती है, दबंग 3 में मैं आपके साथ काम करूंगा, मैंने सोच लिया। पर यहाँ पे जो डिबेट चल रही है उसका क्या भाई, इधर आके बैठ यहाँ पे इधर। आई होप मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, पता नहीं था। मैं रोक नहीं पाया आपको देख के यार, बहुत मजा आया। तो हम जरा अपनी डिबेट आगे बढ़ाएं। अच्छा बेटे मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपका प्रोग्राम देखा है सिटी केबल वगैरह, ये प्रोग्राम जो है ना आपका, प्रोग्राम बहुत अच्छा है। अच्छा लगता है ना आपको? बिल्कुल प्रोग्राम बहुत अच्छा बेटे, लेकिन आपकी होस्टिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, मैं कह रहा हूँ। अच्छा मेरे 2-3 दोस्त है दिल्ली में, एक अपना चड्डा है और एक गुप्ता है। अच्छा उनको ऐसी औरतें अच्छी लगती, बड़ी बड़ी सी औरतें। अच्छा मैंने उनको भी दिखाया प्रोग्राम,
उनको भी उनको उनको नफरत होगी, कहते यार ये क्या दिखा रहे हो। टीवी में कपड़ा डाल दिया मतलब बहुत ज्यादा, आपका मुंह मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक होता है कि चलो थोड़ा सा पसंद आता है, मेरे को थोड़ा सा भी नहीं आया। खुद तो बड़े आपका मेरे को बड़ा बड़ा पसंद है, आपका तो बड़ा पसंद है बेटा, आप तो मर जाओ। ठीक है, मरने से पहले मैं बस ये डिबेट जारी रखना चाहूंगी थोड़ी देर के लिए। तो सबसे पहले हमारी डिबेट में हम चर्चा करना चाहेंगे सोनाक्षी सिन्हा के साथ। हम जानना चाहेंगे सोनाक्षी जी के, आप एक एक्ट्रेस हैं, कलाकारा हैं, आपके पिताजी भी एक एक्टर हैं, कलाकार हैं, तो क्या पहले तुम्हें टॉयलेट आए पहले जाओ, है ना? ऐसे पता आदमी का दिमाग में गैस जड़ जाती है, फिर ऐसी बातें करता हूँ। जाओ बेटा, दिन में 10 बार किया था। आसान होता है जब उनके माँ बाप सेम प्रोफेशन में हो, तो क्या उनके लिए चीजें आसानी से हो जाती हैं? हाँ, कुछ हद तक। आई थिंक हर डॉक्टर भी चाहता होगा कि उसका बेटा डॉक्टर बने, लॉयर भी चाहता है उसका बेटा लॉयर बने, एक्टर कभी कभी चाहते हैं उनके बेटे एक्टिंग करे। वैसे आपके पिताजी क्या करते हैं? इनके पिता इनकी माँ को तंग करते थे, तभी ये हुई है। ऐसा मैंने कहा भी, इनके बेटा भी कुछ नहीं करते। ऐसा डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, तो इसकी बेटी भिखारन की निकली। मेरे को पहले बिल्कुल मजे नहीं आया, चाहे मेरी भतीजी है, मेरे को नफरत हो गई। मेरे अब वॉमिट होने लगा था, मेरी वॉमिट हुई, मैंने उंगली से वापस अंदर डाली। मैंने कहा आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत मेरे को बिल्कुल नहीं मजा आया। सवाल ये था कि क्या जो बच्चे होते हैं अगर उनके माँ बाप सेम प्रोफेशन में हो, तो क्या उनको जरा हेल्प हो जाती है? Well, as a doctor, I think बच्चों को माँ का प्रोफेशन अपनाना चाहिए। ओहो ओहो, जैसे एज ए डॉक्टर मैं इतना नहीं कमाता जितना पेंचर के बिजनेस से 10 टाइम कमा लेता हूँ मैं, माँ का प्रोफेशन इज बेटर। आपकी मम्मी पंचर बनाती थी? नहीं नहीं, तो बाद में शुरू किया, चाची जी मेरी चाची थी, मजूर की माँ जो थी, और पहले बालों से ट्रक खींचती थी। तो एक दिन जिंदू साहब अभी यकीन नहीं करेंगे, ऐसे चाची जी बालों से ट्रक खींची थी, ट्रक वाले ने बैग के डाल दिया, चाची पूरी गंजी। अच्छा आप यकीन नहीं करेंगे जिंदू साहब, हालांकि थी मेरी चाची, पर मेरे को बड़ा मजा आया देख के। आपकी मम्मी के बारे में बात कर रहे हैं, आपने अपनी चाची को बचाने की कोशिश नहीं की? अरे ट्रक तो यही चला रहा था ना। See, this is not fair. This is not fair. You come here, sit on chair. Otherwise, go anywhere. I don't care. बेटा आप टीचर है ना? जी जी. Oh, see, I'm so famous. You knows me. Yes. मैं आपको एक बात बताता हूँ. जी जी. मैंने दिल्ली में बहुत कूड़ा देखा सड़कों पे. मैंने ऐसा जुड़न देखा, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद आया आपका जुड़ा. अच्छा मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद आया, इतना नहीं दिया। अच्छा बेटा लाना था तुम पे यार। देखिए मुझे जूड़ा छोड़िए, जूड़ा कराटे भी आता है, because I love Bruce Lee. और पेश करते हैं यहाँ पर चमार टॉफी, जब चाहे चूस ली। क्या हम हमारे मुद्दे को कंटिन्यू करना चाहेंगे कि क्या माँ बाप का और बच्चों का सेम प्रोफेशन में होने से बच्चों को आसानी हो जाती है? ये पिंक वाले भाई साहब। अच्छा मैं सिद्धु साहब, मैं इंजीनियर हूँ, मैंने ऐसी डिवाइस बनाई है आप दीवार के आसपास देख सकते हो। ओहो, क्या बोलते हैं उसे? उसे खिड़की। मैंने खिड़की बनाई है, मैं बनाता रहता हूँ। चलिए आप ये बता सकते हैं जरा आपने किस चीज की इंजीनियरिंग की है, मतलब केमिकल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, कौन सी? मैं बेटा इतना सोचता हूँ, जो मेरे हाथ में आई मैंने कर ली। मैंने इंजीनियरिंग की है जिसमें अपना बड़ा सा चश्मा लगा के ना, काले रंग का, हाथ में फुलझड़ी जला के वो चीजें जोड़ते हैं जो। अरे वो फुलझड़ी से जो जोड़ते हैं उसको तो वेल्डिंग कहते हैं ना। मजरूम मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मुझे तुम्हारा बीच में बोलना बिल्कुल पसंद नहीं आया। मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं हाथ उठाऊंगी गाली दूं। मेरे को दिस इज टू मच, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, इस बंदे को कुछ करो यार। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं झूठ बोल रहा हूं, मुझे अभी भी आपका झूठा पसंद नहीं आया। मतलब मेरे चाचा जी है, वो फ्लॉप फिल्म भी 3-4 बार देख लेते हैं, तो मैंने उनको भी दिखाया, मैं देखो लड़की का जुड़ा, कहते कहते नहीं बिल्कुल पसंद है। अरे मैं 93 में मेरी साली आई हुई थी, मैं वैसे ड्रिंक वगैरह कर ले, साली आई तो सांडू के साथ, वैसे मैं डेली ड्रिंक नहीं करता, कभी कभार कोई 24 घंटे बाद एक आध बोतल पी लेता। पर बेटे मैं बात भूल गया, मैं आपका मेरे को मुंह भी नहीं पसंद आया तो।
मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मैं हाथ उठाऊंगा डंडा। देखिए संजा हो या मंजा, रोज खाओ जंजा, आप मैं लात उठाने पे मुझे मजबूर कर रहे हैं आप, मैं बता रही हूँ आपको। अरे मैं आपको एक बात बताऊँ, आपका जुड़ा देखो, मैं देखो सलाह लेनी चाहिए, आप अगर इसके चारों तरफ थोड़ी बाउंड्री लाइन लगा के दो फूल लगा ले, बेटा गमला बन सकता है। देखिए यहाँ पर मैं अपने शो करने की कोशिश कर रही हूँ, आप लोग बातें करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, एक तो शो कैसे होगा मेरा? देखो बेटा मैं थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ मुझे आपकी होस्टिंग ना नफरत हो गई। मेरे को बिल्कुल पसंद है, या तो डिबेट में ये बैठोगे या मैं बैठूंगा। देखो आई एम सो सॉरी, अगर आपको बुरा लगा, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं बैठ रहा हूँ, आप चले जाओ। अब मैं यहाँ बैठा तुम अंदर जाओ, मेरा बाथरूम में कच्चा गीला पड़ा है, उसको सुखा दो। मैं तुम्हारा कच्चा क्यों दूं भाई? मेरा कच्चा यार, मेरा सगा भाई नहीं, मेरा कच्चा कहाँ से आया? तेरा था, मैंने रात को पहन लिया था। बस दो है, तुम सुखा दो यार। पर आपका मुंह मुझे और भी गंदा लगने लगा है। तो बेटा मैं फिर कच्चे में नेशनल टीवी सुखा दूं? आप यहाँ पर फैमिली प्रॉब्लम डिस्कस किए जा रही है, क्या तरीका हुआ? मुझे शो करने दीजिए ना। बेटा जल्दी करो, मेरी मूंछ उतर रही है। वो मजा आता देख यार, तीन चार आदमी इकट्ठे करके मेल्ट करके बंदा बना दिया, बहुत ज्यादा यार। देखिए चलिए शो को आगे बढ़ाते हुए मुझे लगता है कि हम मुद्दे से काफी भटक गए, इसके लिए हम मुद्दे को टोटली भटका देते हैं, हम अगले सवाल पे चले जाते हैं। सोनाक्षी जी, मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, मुझे बताइए कि खूबसूरत लड़कियां जैसे कि मैं, जैसे कि आप, I'm sorry, मैं आपको इंक्लूड नहीं कर पाऊंगी, खूबसूरत लड़कियां क्या अपनी खूबसूरती का फायदा उठाती हैं? आप पहले तो एक फेवर कीजिए मुझ पे, जब आप खूबसूरत लड़की बोलते हैं तो आपका नाम और मेरा नाम सेम सेंटेंस में मत। बहुत अच्छी बात है, मेरे को आपके जवाब बड़ा पसंद है। ओके, आई हैव अ कंप्लेंट। यस, कई बार क्या होता है लड़कियां ना अपनी प्रोफाइल पे हीरोइन की फोटो लगा देती हैं। हाँ। अभी इसने आपकी फोटो लगाई हुई है दोस्त बनाने के लिए, व्हाई इज दैट? सारी रात बैठ के मैं चैटिंग करता रहा, मैं समझ ना भी आप हैं। ये तुम्हारा आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया, तुम किसी की फोटो लगाओ तुम खराब ही दिखोगी। तुम्हारी फोटो नहीं अच्छी, तुम चाहे गोगा कपूर की फोटो लगा, तुम खराब दिखोगी। देखिए दुर्घटना से देर भली अतामा जैसा टकली, अब मेरा हाथ उठने वाला है बस। तपड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। वैसे आपने क्या चैटिंग की बता, वो भी बता दीजिए, मगर इतना बता मतलब मेरे को ना एक आपसे बात करनी थी। वहां से करो ना, नहीं प्लीज प्राइवेट बात है, ही गेट्स अग्रेसिव। मैं बता रहा हूं, मैं अग्रेसिव नहीं, आप वहां से करो, मेरी बात तो नहीं, आप वहां नहीं, वैसी हो गई नहीं वहां से। मेरे को कहता मेरी मुंबई में बड़ी इज्जत है, मैं देख ली। देखो मेरे को ना थोड़ा सा मन करता है, हम दोनों बाहर चले, एक नारियल लेते हैं, उसमें दो डालेंगे स्ट्रॉ करके पीते हैं दोनों, अगर आपको ठीक लगे तो एक ही नारियल से पी लेंगे। एक ही नारियल से पी लेंगे? कैसे कैसे कैसे? देखो मैं ऐसे इधर रहूं, आप उधर रहें। अब मुझे बड़ा मजा आया। वेरी गुड, ए लाज तो पड़ी है ना तुम्हारे नंबर प्लेट पे पड़ी है। मुझे बड़ा मजा आया। पूरा नारियल पीना है तो पूरा पी लो आप। ब्रेकिंग न्यूज, हमारे शो पे एक अभिनेत्री काफी गुस्सा हो गई है, क्या वो इस डॉक्टर का खून करेंगी? बेटा ये तो मोटी नर्स आइडिया दे रही है, तेरे को बता रहा हूँ। ये आइडिया दे रही है। लेते हैं ऑडियंस पोल, क्या इनका खून करना चाहिए या नहीं? यस ऑडियंस, यस बात सुनिए। देखो मैं एक मिनट ऐसा कुछ नहीं है, मैं पहली बार, ये भी है लीजिए। मैं पहले, मेरे को जाने दो। नहीं 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 देखिए मामला अपना, थैंक यू फॉर वॉचिंग सिटी केबल। बेटा मुझे ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया। छतरी से पूछना, मेरे को बड़ा अच्छे से जानते हैं। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates